मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल अंकित गेमिंग एंड हाउ आर यू ऑल गाइस। कमेंट बिलो आप लोग कैसे हो, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यार आप देख सकते हो आनंद भाई की आईडी से अपन गेम प्ले लेके आ चुके हैं, जिनके पास है 110 मिलियन कॉइंस। तो मैं बोल रहा था यार भाई को, भाई यार आईडी मत दो यार, भाई मैं नहीं प्ले कर सकता छोटे लेवल पर। तो भाई ने बोला भाई बहुत कम कॉइन्स है, मैंने बोला भाई को बहुत कम कॉइन्स है भाई, मैं प्ले नहीं कर सकता। तो भाई ने बोला यार कोई नहीं भाई, हार गए परवाह नहीं, बट यार वीडियो तो बना दो भाई प्लीज़ भाई प्लीज़। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, आपकी भी सुन लेते हैं। तो मैंने भाई की आईडी लेके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, इसमें 2 बर्लिन एक मुंबई खेला है अपन ने, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बेल आइकन को ऑल पे कर देना गाइस। और वैसे ही गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट कर लेना, 1 बिलियन और 3 अकाउंट्स हैं वैसे पूल पास के साथ में, तो उसका रिजल्ट कल आने वाला है। जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है भाई, हो जाके जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो और बिल्कुल ही मज़े आ जाएंगे। क्या पता भाई आप भी विनर बन सकते हो, तो भाई जाके पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, तो जाके पार्टिसिपेट कर लो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे अपना टर्न है, तो अपन खेल रहे हैं अपना टर्न है। और यहाँ पे भाई अपन ने स्ट्राइप सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो यार टेबल तो ओपन है, बट थोड़ा सा रेड थोड़ा सा ब्राउन दिक्कत दे सकता है, क्योंकि भाई अभी खेल रहा हूँ, पोजीशन कैसी बनेगी पता नहीं। और भाई एक तो लेजेंडरी क्यू है नहीं भाई के पास, तो एपिक वाला क्यू है, एपिक बॉक्स के, तो उससे अपन प्ले कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे अपन टॉप राइट में प्ले करेंगे येल्लो को, थोड़ा सा बैक स्पिन लिया है अपन ने, थोड़ा नहीं पूरा सा बैक स्पिन लिया है, ताकि भाई इसका बैक स्पिन पूरा लो तब ऐसा आता है, लेजेंडरी का हाफ से हाफ लो तब इतना आता है, और अगर पूरा ले लोगे तो भाई कहीं पे भी चले जाएगा। तो यार यहाँ पे स्क्रैच ना हो, और स्क्रैच नहीं हुआ है, और अपने को 2 बॉल प्ले करना है जस्ट, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो मेरे को डर लग रहा था भाई यहाँ दोनों के बीच में से मिडिल पॉकेट में ना चली जाए, बैलेंस्ड होके कभी कभी चले जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्राउन को ही टच हुआ था, कोई बात नहीं, सेफ है अपन अभी भी। और यहाँ पे रेड को प्ले करूँगा मैं, रेड को प्ले करने के बाद देखते हैं पोजीशन क्या बनती है। बट यार वहाँ पे रेड नहीं होता ना गाइस, वो सॉलिड वाला रेड तो अपन ही ब्लैक बॉल पॉट कर सकते हैं, बट देखते हैं पोजीशन। पोजीशन तो वैसे ही बनी जैसे मैं सोच रहा था, और यहाँ पे अगर रेड नहीं होता ना गाइस 100% तुम्हारा भाई गेम डिनाइल दे दिया था। बट यहाँ पे रेड रहने से मैं भाई ट्राई करता हूँ यार, ये एंगल से ही है बट वहाँ पे रेड है, रेड नहीं रहता तो भाई शायद कुछ हो सकता था अपने ब्लैक बॉल का। बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया हल्का सा फोर्स लेके, फिर भी सेम एंगल में ट्रैवल करके रिटर्न आ गया जहाँ से हमने प्ले किया था। तो यार भाई इनविजिबल क्यू से प्ले कर रहा है, और सॉलिड्स बॉल हैं भाई के, जस्ट 5 बॉल बचे हैं टेबल पे, तो यार आसान सा गेम है भाई के लिए। और देखते हैं भाई क्या कुछ हो सकता है। और यहाँ पे येल्लो को प्ले करने जाता है भाई, और येल्लो को प्ले करते करते इतना ज़्यादा फोर्स लगा देता है, मतलब बैंक शॉट प्ले करता है, तो भाई ये स्क्रैच हो जाता है, तो अपने को टर्न मिल जाता है। तो अपन बोलते हैं भाई वो वाला सीन नहीं होता, जान बची तो लाख हो पाए, वो वाला सीन है भाई। यहाँ पे एक बैंक शॉट मार के निकलेंगे, क्योंकि भाई भाई के पास 110 मिलियन ही कॉइन है, और मैं अगर हार गया तो फिर भाई क्या खेलेगा, तो मेरे को वो वाला टेंशन था। तो यार यहाँ पे अपन ने गेम फिनिश कर दिया है। तो यार इसके बाद आपको दूसरा गेम बताऊँगा बर्लिन के अंदर ही, और यहाँ पर हो गए 132 मिलियन। तो इसके बाद मैं एक मुंबई खेला था, तो लूज़ हो गए थे, ठीक है, एक मुंबई लूज़ हो गया था, क्योंकि भाई अपना ब्रेक नहीं आया, तो अपोनेंट ने डिनाइल चिपका दिया अपने को, और यहाँ पे फिर से अपना ब्रेक नहीं आया, ठीक है, कंटिन्यू 2 बार या 3 बार अपना ब्रेक नहीं आता। इसके बाद फिर मैं मुंबई खेलता हूँ, और एक बार फिर से हार जाता हूँ मुंबई, क्योंकि भाई अपना 3 बार ब्रेक नहीं आया। और देख सकते हो आपके सामने वीडियो, और भाई मैं जस्ट मॉर्निंग में खोला, जस्ट 15-20 मिनट लगे मेरे को वीडियो बनाने में, 25 मिनट लगे गाइस, 25 मिनट में मैंने पूरा डन कर दिया। भाई को बोल दिया कि भाई अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज कर लो, हो चुका है अभी तक। और यहाँ पे अभी अपोनेंट का टर्न है, तो यार अपोनेंट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, एक छोटा सा काम दे रहा है आपका भाई आप लोगों को, अपोनेंट का नाम बताना मत भूलना, ठीक है। 228 लेवल है, 228, ठीक है, 228 लेवल है, तो आप नाम बताना मत भूलना गाइस। और जो भी नाम बताएगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू, रेस्पेक्टली थैंक यू टू यू, और जो भी नाम बता रहा है कमेंट में, जितने भी बंदे बताएंगे, ठीक है, तो नाम बताना मत भूलना गाइस।
और विनस्टिक के रिंग आप लोगों ने निकाल ली है या नहीं ये भी कंफर्म करना मत बोलना मेरे को, कंफर्म करा दो एक बार। विनस्टिक के रिंग आई थिंक सो सब लोगों ने निकाल लिया होगा, और जिनको निकलवाना है तो आके मेरे पास से निकलवा सकते हो, बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आके कॉन्टैक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे भाई ब्लू बॉल प्ले कर रहे हैं अपन टॉप राइट में, और यहाँ पे ब्लू बॉल सक्सेसफुली डन हो चुका है, और जस्ट अपने कितने बॉल है, 4 बॉल हैं टेबल पे। और मैं यहाँ पे येल्लो को पूरी कोशिश करता हूँ प्ले करने के लिए, बट अपने को ऐसा कोई चांस दिखता नहीं है, तो अपन ग्रीन को प्ले कर लेते हैं टॉप लेफ्ट में, और ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से पास हो जाता है गाइज। और यहाँ पे ब्राउन बॉल पर्पल बॉल अपना फ्री हो जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या कुछ कर सकते हैं अपन। और यहाँ पे पहले मैं पर्पल खेल लेता हूँ, पर्पल खेलने के बाद फ्रंट स्पिन यूज़ करता हूँ गाइस, फ्रंट स्पिन, क्योंकि भाई मेरे को निकालना होता है, बट फ्रंट स्पिन से नहीं होता है, थोड़ा सा दूर होता है तभी होता है, ज़्यादा दूर है। अगर भाई आर्केंजल वन कैरेंजल रहता ना भाई, तो ये पक्का निकल जाता, डेफिनेटली डेफिनेटली निकल जाता गाइस। और यहाँ पे अपन निकालने की कोशिश करेंगे ब्राउन से बैक स्पिन यूज़ करके, बट अपना ब्राउन बॉल अंदर ही नहीं जाता भाई, येल्लो तो निकल जाता है बट ब्राउन बॉल अंदर नहीं जाता। अच्छा है ब्राउन बॉल अंदर नहीं गया, क्योंकि अपन फंस जाते हैं, फोकट का हैंड जाता बंदे के पास, देख सकते हो पोजीशन नहीं है येल्लो को प्ले करने की, तो बहुत ही अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे का आप लोग समझ जाओ, और जिसको बताना है कमेंट में बता दो आगे का क्या है, ठीक है। तो यार बंदे ने वहाँ पे सक्सेसफुली प्ले कर लिया है, तो अभी देखते हैं भाई 3 बॉल बचे हैं, अभी क्या कुछ कर पाता है बंदा। आई थिंक वो पर्पल खेलेगा, क्योंकि भाई रेड अवेलेबल है नहीं, अगर रेड को प्ले करने जाएगा तो बंदा टॉप राइट में या डाउन साइड राइट में स्क्रैच हो सकता है, ऑलवेज ही बात है स्क्रैच होगा ही होगा। फोर्थ यूज़ करेगा तो बॉल थोड़ा सा लेफ्ट को जाके डाउन पे आएगी, तो भाई स्क्रैच होगा, 100% स्क्रैच होगा, और ये बात बंदे को भी पता है, इसीलिए बंदा आगे पीछे हो रहा है प्ले करूँ या ना करूँ। और बंदे ने डिसीजन यहाँ पे ले लिया है कि नहीं प्ले करना है उसको, और यहाँ पे पर्पल बॉल प्ले कर रहा है अपोनेंट, तो देखते हैं भाई पर्पल बॉल प्ले कैसे करता है। और यहाँ पे बंदे ने सेफ साइड, मतलब मेरे को टर्न दे दिया, ठीक है, अपन सेफ साइड पे, अपने को टर्न मिल गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक स्पिन यूज़ करेंगे ब्राउन को प्ले करने के लिए, और ब्राउन को अपन ने सक्सेसफुली प्ले कर लिया है। उसके बाद येल्लो को प्ले करेंगे गाइस, और अपने को रेड हटाना है, अगर रेड नहीं हटता है तो भाई अपने लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे रेड हट गया है, और रेड के बाद भाई ब्लैक को सीधा खेल लेंगे लेफ्ट साइड डाउन पॉकेट में, और थोड़ा सा फ्रंट राइट स्पिन यूज़ करेंगे ताकि बॉल अपना राइट को जाए, और देख सकते हो फुल फ्रंट राइट स्पिन यूज़ किया, और जस्ट थोड़े से बच जाता है गाइस, और यहाँ पे अपन जीत जाते हैं गेम। तो ये दूसरा गेम बर्लिन के अंदर तुम्हारे भाई ने चिपका दिया है, बट यार मुंबई का हार गया भाई, अफसोस इस बात का है, और दूसरी बार भी हार जाता हूँ गाइस, फिर से कॉइन्स कम हो जाते हैं, फिर मैं बोलता हूँ भाई अभी तो मुंबई में ही खेलना है, अपना ब्रेक आया नहीं, अब तो पक्का आना चाहिए थर्ड टाइम के बाद में, और अभी इस बार मारेंगे, ठीक है, मैंने ये थिंकिंग लगा के प्ले किया था, और यहाँ पर लगा दिया है अपन ने, तो भाई अभी ये मुंबई को देना ही देना है, क्योंकि ब्रेक अपना आ चुका है, 3 बार के बाद में अपना ब्रेक आया है गाइस, और ब्रेक को अपन देखते हैं अच्छी तरीके से प्ले करेंगे। और भाई क्यू का पता नहीं, अगर ये क्यू से भी अच्छा होता है तो आप लोग समझ सकते हो भाई ब्रेक कितना अच्छा होता है, बट उतना ब्रेक खास नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, उतना बॉल खुला खुला नहीं दिख रहा है जितना लेजेंडरी से दिखता है। और अपने को एक मुश्किल चीज़ भी मिल जाती है टेबल पे, तो आप लोग एंड तक देखो वीडियो, और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और यहाँ पे भाई अपन ने सॉलिड बॉल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो मेरे को प्ले करना है ब्राउन बॉल, तो मैं बोलता हूँ भाई अभी किसको प्ले करें, ब्राउन को प्ले करूँगा, फिर वाइट बॉल इधर उधर जाएगा, तो मैं सोचा पर्पल को प्ले करके फ्रंट स्पिन यूज़ करते हैं, उसके बाद में ब्राउन तो ईजिली हो जाएगा ना, तो मैं ब्राउन को अभी प्ले कर सकता हूँ, अवेलेबल है अपने लिए, तो देखते हैं राइट साइड डाउन पॉकेट में, और ब्राउन बॉल यहाँ पे फिनिश हो जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है, थोड़ा सा बैक स्पिन ताकि राइट की तरफ अपना क्यू बॉल ना जाए, देख सकते हो स्ट्रेट टू स्ट्रेट लाइन टू लाइन आ रहा है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन बन चुकी है अपने को ऑरेंज को प्ले करने के लिए, बट यहाँ पे ऑरेंज को मिडिल में ही प्ले कर लेंगे, मिडिल में प्ले करने के बाद देखते हैं भाई येल्लो प्ले करूँगा, हाँ भाई येल्लो को ही प्ले करूँगा, और यहाँ पे येल्लो को प्ले करता हूँ, और मैं सोचता हूँ बैक स्पिन यूज़ करूँ ना यूज़ करूँ, मैं बोलता हूँ भाई छोड़ो यार बैक स्पिन क्या ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भाई फिर हो जाता है सीन, तो अभी मैं ब्लू को तो प्ले कर सकता हूँ लेफ्ट साइड पे, सीन होता है रेड के लिए, तो मैं थोड़ा सा बैक स्पिन यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और बॉल वहीं पर रुकेगी, हाँ एकदम परफेक्ट,
एकदम परफेक्ट भाई, एकदम परफेक्ट। और उसके बाद रेड को एक बैंक शॉट टॉप राइट में प्ले करूँगा, टॉप राइट में प्ले करता हूँ। और मैं यहाँ पे बैक स्पिन यूज़ नहीं करता गाइस, टॉप राइट पे प्ले करता हूँ। मैं सोचता हूँ पर्पल के नीचे ना चला जाए, बट एकदम सेफ एंड सिक्योर हो गया है तो भाई अभी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्लैक को प्ले करेंगे और गेम तो अपना है। तो यार वीडियो का एंडिंग शॉट और वीडियो पूरा फुल कैसा लगा आप कमेंट में बताना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।